स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करने वाली है। संगम गार्डन मोराबादी में वृहद बैठक बुलाई गई है। समीक्षा बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के कार्य समिति की भी बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस के विधायक दल के नेता का भी चुनाव होना है, क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इसकी भी जिम्मेदारी तय की जानी है। तो बड़ी अहम बैठक ये होगी, जिसमें चुनावों पर चर्चा होगी, चुनाव परिणामों की समीक्षा होगी। इसके अलावा राज्य में जो फिलहाल स्थिति है उसकी चर्चा होगी और कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव भी किया जाएगा। तो झारखंड कांग्रेस की ओर से वृहद बैठक बुलाई गई है। मोराबादी के संगम गार्डन में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम है ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है झारखंड में, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा फिलहाल राज्य में जो कांग्रेस के विधायक दल का नेता कौन होगा इसका भी चुनाव होगा, क्योंकि आलमगीर आलम ईडी की कार्रवाई के दायरे में हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद अब विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी कौन निर्वहन करेगा इसका भी आज चुनाव किया जाएगा। और फोन लाइन पर करिश्मा जुड़ी हुई है हमारे साथ, सहयोगी करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, और सबसे अहम कि जो विधायक दल का नेता कौन होगा झारखंड में, कांग्रेस विधायक दल का नेता, इसका भी चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की समीक्षा भी होगी आज की बैठक में। जी नवीन, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं इसको लेकर कांग्रेस की ओर से आज समीक्षा की जाएगी, क्योंकि झारखंड में इस बार कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी कि आखिर हार का वजह क्या रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव नवम्बर में है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से रणनीति भी बनाई जाएगी कि कैसे कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। देखिए, इस बैठक में कांग्रेस के सभी आला नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है जीएम मीर, वो मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहेंगे और अन्य जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव में जो हार और जीत हुई है उसकी समीक्षा जो है कांग्रेस की ओर से आज की जाएगी। और सभी जो सांसद है वो भी आज मौजूद रहेंगे और जो प्रत्याशी थे वो भी मौजूद रहेंगे। उनसे भी वार्तालाप की जाएगी कि आखिर चूक कहां हुई, आखिर किस तरीके से आने वाले समय में वो लोग कार्य करेंगे। इसके साथ ही आपने सही कहा कि विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है उसके बाद सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर आलमगीर आलम का जगह कौन लेगा, आखिर विधायक दल के नेता कौन होंगे। हालांकि कई लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आलमगीर आलम ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस का वो कौन चेहरा होगा जो मंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में 3-4 लोगों का जरूर नाम सामने आ रहा है और कांग्रेस की ओर से आज इसको भी लेकर मंथन की जाएगी कि आखिर वो चौथा मंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है, झारखंड में अलायंस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस को 4 कोटे मिले थे जिसमें वो मंत्री जो है वो मौजूद थे, लेकिन अब 3 ही मंत्री बचे हुए, एक और मंत्री का जो पद है वो खाली है। आलमगीर आलम का जगह कौन लेगा इसको लेकर आज मंथन जो है वो की जाएगी। तो कहा जा रहा है कि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, सभी जो आला नेता है कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे और सभी से 1-to-1 बातें जो है वो प्रभारी जीएम मीर करेंगे। जी बिल्कुल, तो बेहद अहम बैठक प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, लोकसभा चुनावों की समीक्षा होगी, कहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहां बेहतर प्रदर्शन की जरूरत थी, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक दल के नेता का भी चुनाव होगा, क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से ये जो जिम्मेदारी है वो किसे दी जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा करिश्मा, आप फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।